थिएटर हुआ था उसमें एक लाख का ब्लैक था, एक लाख का बहुत बड़ा कश्मीरी शाह होगा शायद, उनको पढ़ना आया एक लाख का इस साधु को क्यों देने का। अगले में गया 50,000 का था, 25 का था, 10,000 का था, बाद में गया 1,000 का था, फिर भी पढ़ नहीं आया 1,000 का भी। ऊपर जब नीचे बिछाना ऐसे लपड़ के साधु सबको दे दिया, ये हमारा आपका, उन्होंने दे दिया उसको, फिर भी वो साधु संतरे लेके चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका आश्रम में जब साधु जी ने कहा करो तो उनका भक्त भाग के आया, साधु जी हमारा गांव का सबसे बड़ा सेठ का दुकान में आग लगा है, पूरा कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने यहाँ आश्रय के आया है हमारे आश्रय में, कुछ उनको हमको रहने के लिए जगह देना चाहिए। सर को मालूम नहीं था यही लोग उनको जो नीचे का जो किया था, जब उनको भक्तों को बताया ठीक है हमारा आखिर में कोना है, उनको बेटे का इंसान तो बदल कर दो, जब चला गया सब लेके अंदर उसको बोल दिया ये आप इधर हो कुछ नहीं करे। जब अंदर गया देखा वो तो देखिए कंबल था, कंबल था उन्होंने जो दिया था नीचे का वही एक ही था। तो भी उनको सोच के आ गया अगर मैंने एक लाख कर दिया होता कंबल आज शायद मुझे उसके लिए यूज होता था। मेरा कहने का मतलब है जब भी आपके पास पैसा हो अगर वक्त हो थोड़ा समाज के लिए काम करो, नहीं तो आपको भी ऐसा जो पटा हुआ ब्लैंकेट आपके सर के ऊपर ना आए, मेरा विनती है आप सबको। कई स्पोर्ट्समैन के लिए हमको विदेश के लिए हवाई जहाज का टिकट देना पड़े, कई स्पोर्ट्स में उसको आपको ट्रैक सूट देना पड़े, आप उसमें ज्यादा ध्यान दे दिए तभी समाज भारत अच्छे भारत बनेंगे। इसके लिए मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूँ, कांतिलाल परिवार को और एक बार बधाई देता हूँ और आप अच्छे काम करिए, आपके पीछे समाज रहेंगे, हम रहेंगे, सारा नारायण नमस्कार लोग को बहुत कुछ हमने ऐसे सोशल काम किया है।